$64 का घाटा हो चुका है, वो मैंने क्रॉस पे ली थी, तो ये पूरा जाने की चांसेस हैं। सो गाइस, जस्ट हैड माय फेवरेट कॉफी फ्रॉम अल्थम। हेल्दी राइड तो मिलती है, बट यहाँ पे ना दारू भी मिलती है। मैं ये बताना भूल गया था, जो मैंने कल ट्रेड ली थी ना, वो पूरी लिक्विडेट हो गई है। मैंने 127 मार्जिन से ली थी और पीछे $350 पड़े थे, मेरे टोटल $350 वो हो गए मिट्टी, अराउंड 35,000 के करीब। सो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो सारे, वेलकम टू माय व्लॉगिंग चैनल। आई होप सारे बहुत अच्छे हो गए। आज सुबह मैंने जिम आना था 7 बजे, ठीक है, और मैं उठा नहीं। मैंने ये हर वक्त मुझे कॉल करता है घर से निकलने से पहले, बट टुडे अनफॉर्चुनेटली जो मेरा फोन था, अनफॉर्चुनेटली नहीं, तेरे को मैं रोज फोन करता हूँ, तेरे को हर बार बोलता हूँ भाई साइलेंट पे मत डाल, मत डाल, मत डाल भाई साइलेंट पे। पता है भाई साइलेंट पे पता है क्यों डालता हूँ, क्योंकि यार एक्चुअली ना अपना भाई काम, पैसा इतना बांट रखा है बंदे ने, हर बंदा इसको बोलता है भाई पैसा, तेरे मैंने इसके 80,000 रुपए दे, 80,000 रुपए घर बिक जाएगा, कोई बात नहीं घर जाएगा तेरा। तो भाई मतलब सीन ऐसा, भाई रात को सो रहा था ना, किसी ना किसी का मैसेज कॉल आता रहता, सारा दिन टिंग 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 दिमाग में रहता, सुबह जिम में टिंग 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 हो रहा था। पर 80,000 रुपए की मैं क्या लेकर आऊंगा सोचो, क्या छह जोड़ी फर्जी रखे हैं, फर्जी ले रखे 2,000 रुपए, 2,000 रुपए चलते, और ये पानी चढ़ी हुई चेन, ये 5 रुपए की, ये 1 रुपए की, बट ठीक है ये 10 रुपए की, बात ही खत्म। तुम ऐसे मार दो, ये ना बस दुनिया को दिखा रहे हैं, अभी स्टारबक्स जाना पड़ जा रहा, मौत पड़ जाएगी 500 रुपए देने में। क्यों खर्चूं स्टारबक्स पे, मैं स्टारबक्स पीना है ना तूने, तू घर चल 2 रुपए की कॉफी लाऊंगा, दूध मिला के अंदर कॉफी मिला के दूंगा, क्यों भाई 500 रुपए क्यों खर्चो, वर्थ इट चीज पे खर्चो, अब ये वर्थ इट है, ये 2,000 के नहीं 4,000 के, यस 80,000 रुपए के शूज लेकर आऊं, जिसमें शूज भी है जिम के, अलग अलग शूज लाया सारे, कॉपी 6, हां कॉपी 6 जूते ले भाई, सिंपल सी बात है, देखो 10,000 रुपए का एक जूता लेने से बेटर है 2,000 के 5 जूते ले लो, कंफर्ट की बात है, स्केचर से बिल्कुल सही बात हो गया, और 1,00,000 की एक चेन लेने से अच्छा ऐसी 10 चेने ले लो। पापा के सामने बोल दो, इतना क्लब जाएंगे ना बोलेंगे 2,00,000 रुपए की चेन दिलवाई है, ये ब्लॉग में 10,000 रुपए की बना रहा है, गालियां सुन मुंह से। गाइस बहुत बुरा सीन हो चुका है, मेरे कान देखो, मेरे पूरे कान लाल हो चुके हैं। अब जैसे रमन फर्जी जूते पहनता है, फर्जी चेने पहनता है, इसने मुझे वैसे ही फर्जी प्री वर्कआउट पिला दिया। भाई कम करा कर फर्जी चीजें, बताऊं हां द डॉट रमन उरा की जगह ना फर्जी हो रहा, तो गाइस जस्ट हैड चिकन ब्रेस्ट विद सम राइस, और मैंने ना ये रूल बना लिया कि भाई एक महीने तक बिल्कुल स्ट्रिक्ट डाइट रखनी है, और आपके साथ ना सारी की सारी डाइट शेयर करूंगा। बाकी मैं घर जा रहा हूँ, मैंने घर पे भी अपने लिए बॉइल्ड एग्स मंगवा दिए। एक महीना ऐसा है कि मतलब 1 जनवरी से पहले कोई चीट नहीं करना, कुछ नहीं करना, मतलब जितना रिलीजियसली हो सके ना उतनी डाइट फॉलो करनी है। इट्स ऑल अबाउट डाइट का गेम भाई, ना मेरे रिजल्ट स्लो हो रहे हैं ना, तो वो इसलिए ही हो रहे हैं कि मैं डाइट कहीं ना कहीं चीट कर लेता हूँ, या मैं कहीं ना कहीं अपना कैलोरी इनटेक से ऊपर चले जाता हूँ। तो भाई लिटरली बता रहा हूँ, अभी इतनी ज्यादा फटी पड़ी है ना, मैं ना क्रिप्टो में ट्रेडिंग कर रहा था, और बेसिकली क्या होता है उसमें फ्यूचर ट्रेडिंग होती है, उसमें लेवरेजेस होते हैं, मैक्सिमम 5x या 3x पे करता हूँ, ठीक है, तो मैं ज्यादा रिस्क नहीं लेता, और गलती से मैंने $350 की लेवरेज ट्रेड ले ली 20x पे, और भाई मेरा अभी इस टाइम पे 8-9,000 रुपया घाटा चल रहा है, और $350 की ट्रेड है, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, क्योंकि चांसेस 90% है कॉइन नीचे आएगा, क्योंकि क्या होता है क्रिप्टो में लोगों को लगता है कि जब कॉइन ऊपर जाता है ना तभी पैसे कमाते हैं, बट ऐसा नहीं होता, जो कॉइन नीचे जाता है तभी भी पैसे कमाते हैं, तो मैंने शॉर्ट मारा हुआ है, और मेरे को डर लग रहा है भाई कॉइन बढ़ना जाएगा, कॉइन बढ़ गया ना आज 30-40,000 रुपये की चपत पड़ जाएगी, तरह से आदत हो चुकी है, अप डाउन, कभी लॉस होता है कभी प्रॉफिट होता है, बट फट रही है मैं, क्योंकि मैं 20x पे करता नहीं हूँ। सो गाइज जैसे आप देख सकते हो ऑलरेडी $64 का घाटा हो चुका है, वो मैंने क्रॉस पे ली थी, तो ये पूरा जाने की चांसेस हैं, $129 का मार्जिन है, बट ये आज ब्लो अप ना करते भाई सीन, लेट्स सी। सो गाइज फाइनली द लाइट इज स्पॉन्सर्ड बाय कैरी लू, व्हाट्स अप, एंड अभी हम जा रहे हैं अंडे खाने, अंडे और चिकन, अंडे तो खा लिए वैसे, अब चिकन खाएंगे। अंडे खाने के बाद आई एम गोना गो टू अल्थम, थोड़ा दिमाग चलेगा, कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ी प्रोडक्टिव बातें करेंगे, मेन चैनल का भी शूट 1-2 दिन तक स्टार्ट करना है, किसी भी हालत में ढीले पड़ गए थे, बियर्ड भी बढ़ रही थी, तो थोड़ी उसकी रिक्वायरमेंट थी बियर्ड बढ़ने की, अब एकदम से तो बढ़ नहीं जाती है ना, तो बस टाइम लगा, और कर देंगे होपफुली, 2 से 3 दिन का शूट है, फटाफट से शूट कर देंगे। गाइस जस्ट हैड माय फेवरेट कॉफी फ्रॉम अल्थम। अच्छा तो कल वाले व्लॉग में मैं आपको बता रहा था ना कि यार जब मैं रात में व्लॉग बनाता हूँ आगे कैमरा रख के, मेरे को बहुत दिक्कतें फेस करनी पड़ती हैं, जो ये वाली लाइट है ना वो यहाँ पे होनी चाहिए, अगर यहाँ पर कोई सोलर लाइट या कोई भी टेम्परेरी लाइट चिपक जाए ना तो सीन बहुत एंड हो जाएगा, बिकॉज फेस पे लाइट आएगी, तो कई बार ना जब अपनी शक्ल देखते हैं ना रात में, दिखती नहीं, शक्ल ही नहीं दिखती पहली बात, तो फिर बाद में एडिटिंग में लाइट लुट उठानी पड़ती है, मज़ा नहीं आता, बट जो एक अच्छी लाइट आनी इंपॉर्टेंट है ना वो मैं लगवा दूंगा 2-3 दिन तक, वो इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज अगर व्लॉग कर रहे हो लाइट होनी इंपॉर्टेंट है। हफ्ते में 3 रील्स भी इंस्टाग्राम पर डालने वाला हूँ, चाहे कॉमेडी हो चाहे फैशन कुछ भी हो, बट हर हफ्ते 3 रील इंस्टाग्राम पे डलेगी,
कल या परसों पहली रील आ जाएगी। सो भाई फाइनली अपना बॉइल्ड चिकन आ चुका है। वैसे मेरे को ये टेस्टी तो नहीं लगता बट खाना पड़ता है भाई, बॉडी बनानी है ना। तो एक महीने तक आपको बताया, गोल बनाया कि भाई फुल ऑन बॉइल्ड चिकन, बॉइल्ड अंडे और सैलेड्स और हेल्दी डाइट, मतलब बिल्कुल भी चीट नहीं करना। भैया कहाँ है तेरे? वो बनारस में। बनारस वहाँ भी खोल लेगा काम? वहाँ कपड़े का दुकान। अरे भाई पैसा ही पैसा भाई, क्रिप्टो भी स्टार्ट कर दो तुम। गाइज आपको पता है यहाँ पे हेल्दी डाइट तो मिलती है बट यहाँ पे ना दारू भी मिलती है, ठीक है? ये हल्के में दारू भी बेचता है लोग। भाई दारू मत बेचा कर, देख हम पी लेते हैं बट तू मत बेचा कर। तो भाई लोग पैक, मतलब लोग क्लब जाते हैं दारू पीते हैं, हम यहाँ आके दारू पीते हैं, हमारी दारू है, ठीक है? तो साहिब पीता है दारू, जिसको नहीं पता मैं दारू पीता हूँ। इंडियन से ऊपर की दारू है ये, टेस्ट भी हेल्थ भी। भाई ये मेरे को चैलेंज करके जा रहा है, क्या बोल रहा है? रियल आइडिया चाहिए कल तक मुझे, चाहे चाहे कॉपी हो बैंक से, मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई, होना चाहिए। रील बनानी है भाई, 100% बनानी है भाई। मैंने आपको बता दिया सारी चीजें, बस डन। बाकी मैं हो रहा हूँ बहुत ज्यादा लेट, मैं जा रहा हूँ जिम, 3:30 बज रहे हैं। आज थोड़ा सा काम में फंस गया था तो इसलिए लेट हो गया। बाकी मैं ये बताना भूल गया था, जो मैंने कल ट्रेड ली थी ना वो पूरी लिक्विडेट हो गई है। मैंने 127 मार्जिन से ली थी और पीछे $350 पड़े थे, मैंने टोटल $350 वो हो गए मिट्टी, अराउंड 35,000 के करीब। फिर मैंने सुबह उठ के वो ट्रेड्स ली, 50% कैपिटल तो रिकवर कर लिया, अराउंड 15-16,000। बट अब क्या कर सकते हैं, अब तो गए, यू कैनॉट डू एनीथिंग। और पता है क्या, मतलब मेरे जो पैसे गए ना, देखो पहली बार इतना बुरा लग रहा है, बिकॉज मेरे इससे पहले से बता रहा हूँ $3,000-$4,000 या $5,000-$10,000 के भी नुकसान हुए हैं, बट उसमें ना इतना कभी हर्ट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है मैं अपनी स्ट्रैटेजी से चल रहा था, वो मैं रिकवर कर लेता हूँ। बट कल जो ट्रेड लगाना वो गलती से लगा था, 5x की जगह 20x लेवरेज लगा है। मतलब मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ जिनको नहीं पता 5x 20x क्या होता है। समझो ये एक बॉटम है, ये पॉइंट है, ठीक है? मैंने बोला कॉइन नीचे जाएगा, तो जो 5x है ना वो उसका यहाँ तक होगा रेजिस्टेंस, और जो 20x और को यहाँ पे होगा। तो 20x को हिट करना और 5x को हिट करने में बहुत डिफरेंस आया था। तो 20x जल्दी हिट होता है, 5x बाद में होता, तो 5x में आप बच जाते हो। तो अगर मैं कल 5x पे होता ना तो शायद मैं सुबह उठता तो मेरा अच्छा खासा 15,000-20,000 का प्रॉफिट हो जाता, बट रपट गया उसके चक्कर में। और ये 20x 50x ना ये क्रिप्टो में होती है इसलिए ताकि लोगों को लालच आए कि मैं जा रहा हूँ जिम, मैंने फिर से ब्लॉग स्टार्ट करना है। एंड ऐसे सपोर्ट करो, प्यार करो, लव यू जी।